से उनको आगे से लीड करना, अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत मजबूत टीम है खालसा वॉरियर्स की जो कि अनबीटन है। तो दूसरे हाफ में मुकाबला शुरू होता हुआ बिल्कुल बराबरी पे स्कोर है। ये तीसरा क्वार्टर अभी तक बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिला है दोनों टीमों के बीच। यहाँ पे जद्दोजहद, एक बार फिर संदीप पीछा करने का प्रयास किया पर यहाँ पे मात्र दर्शक ही रह गए। आप दोनों दलों ने अपना साइड भी बदल लिया है, यानी अब यूनाइटेड सिंह आपके स्क्रीन पे आमतौर पे दाईं ओर दिखाई देंगे और दूसरी ओर हमें दिखाई देगा खालसा वॉरियर्स का खेमा बाईं ओर अपनी लाल पोशाक में। तो हमारे दर्शक कहते हुए वी आर ऑल पंजाबीज, वी डोंट कीप काम, लेकिन परहैप्स अजय इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू द रूल क्योंकि आप बहुत बहुत ठंडे दिमाग से कमेंट्री करते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया दबायन। और मैं साथ में अंजुम के बारे में कहना चाहूँगा, ये भी पंजाबी हैं और ये भी बहुत ठंडे दिमाग से कमेंट्री करती हैं। तो ऐसा नहीं कि सारे पंजाबी बहुत जोशीले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। आपको याद दिला दें कि अगले हफ्ते मैचेस होंगे एबट्सफोर्ड सेंटर नियर वैंकूवर। आप डेट्स देख के कन्फ्यूज ना हो क्योंकि कवरेज शुरू होगी ज़रूर हिंदुस्तान के टाइम में 6:30 बजे सुबह और ये होंगे संडे और मंडे को यानी आप 12 और 13 अक्टूबर। लेकिन अगर आप कनाडा में हैं, वैंकूवर में हैं, तो ज़रूर एबट्सफोर्ड सेंटर आइए क्योंकि वहाँ पे मैचेस होंगे 11 और 12 की शाम, रहेंगी कबड्डी के नाम। मुझे लग रहा है आप काफ़ी शेर व शायरी करने लग गए हैं और आपको इतना मज़ा आ रहा है, इतना इस एटमॉस्फेयर में आप ढल चुके हैं दबायन कि अपने आप चीज़ें निकल रही हैं आपकी ज़ुबान से। पर यहाँ पे बढ़िया एक बार फिर रेड दबाव डाल के रखना होगा यूनाइटेड सिंह की टीम को। आज कहीं ना कहीं कई बार ऐसा लगा है कि थोड़ी सी कमी नज़र आई है खालसा वॉरियर्स की स्टॉपिंग में। गोपी मान की अगर आप देखें बहुत बढ़िया स्टॉपर है, मात्र एक ही सफल स्टॉप कर पाए हैं। सत्तू का भी लगभग वही हाल है, 8 बार उन्होंने प्रयास किया है, एक स्टॉपिंग वो कर पाए हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार की ये टीम है खालसा वॉरियर्स, थोड़ा स्तर अपना उठाना होगा। जी हाँ, ये बहुत बराबरी का मुकाबला चल रहा है, एक स्टॉप से बहुत फर्क पड़ सकता है। क्या वो स्टॉप यहाँ पे मिलेगा क्योंकि संदीप नांगलाम्बिया चुनौती पेश कर चुके हैं जग्गा के सामने। जग्गा को इससे पहले भी रोका गया है, यहाँ पे फिर से संदीप नांगलाम्बिया उनके ऊपर हावी हो चुके हैं। तीसरे क्वार्टर का पहला स्टॉप शायद यूनाइटेड सिंह्स के कप्तान ही करेंगे। भाई आज बहुत ही जबरदस्त फॉर्म है, इनको रोकना बहुत ही कठिन, मुस्कुराते हुए और मुझे लगता है पूरी तरह से डिजर्व करते हैं जो परिश्रम वहां पे किया था संदीप ने। बहुत ही बढ़िया कार्य पूरी तरह से दबोच के रखा, हालांकि अब निकलने का प्रयास किया था तो जैसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। और आपने बिल्कुल सही आकलन किया था कि आज खालसा वॉरियर्स की चूंकि स्टॉप लाइन उतना प्रभावशाली नहीं रही है इसीलिए रेडर्स पे ज्यादा दारोमदार है और अगर रेज मिस करेंगे तो खुद को मुश्किल में पा सकते हैं। क्योंकि दूसरी ओर गगन नागरा, हालांकि 2 बार उन्हें रोका गया है, 1 बार रोका गया बल्कि गोपी मानखी ने रोका था, लेकिन वो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गोलू गनौर भी सिर्फ 1 बार ही आए थे या 2 बार आए थे जिनमें से 1 उन्होंने कन्वर्ट किया था, लेकिन बाकी खिलाड़ी खासकर नए जो खिलाड़ी आए हैं लवप्रीत और नवप्रीत, उन्होंने आज बहुत अच्छा प्रयास किया है। यहाँ पे गगन जोगेवाल एक और पॉइंट लेके जाते हुए खालसा वॉरियर्स की ओर से। जी हाँ, गगन जोगेवाल की बात करें बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है, कनाडा इंग्लैंड पाकिस्तान हर जगह पे खेल चुके हैं। 2008 में अपना सफर शुरू किया था कबड्डी का और ये नहीं भूलूंगा कि ये क्रिकेट भी खेलते थे और बल्लेबाज भी थे, तो उससे मुझे थोड़ी सी ज्यादा और खुशी होती है इनको देख के। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे किसके लिए उत्साह का मौका मिलेगा, सतनाम चहल बहुत अच्छा पीछा कर रहे थे लेकिन जिस तेजी के साथ दौड़े थे नवप्रीत कुमार, उन्हें रोकना काफी मुश्किल होता किसी भी स्टॉपर के लिए। इनका लगता है बेड टाइम अभी तक आया नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत चिंतित है क्योंकि शायद खालसा वॉरियर्स की फैन है। संदीप एक ब्रेक लेते हुए, और जैसा कि हमने पहले भी बताया पीठ के थोड़े से चोट की वजह से या थोड़ी सी या हल्की सी तकलीफ के वजह से कुछ मैचेस में उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ गेम्स में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आज भी उन्होंने फील्ड ली है, आगे से लीड किया है, कुछ बहुत बढ़िया स्टॉपिंग्स किए हैं। यहाँ पे वॉरियर्स की टीम जानती है कि कोई भी मौका वो गंवा नहीं सकते, जब भी वो रेड करने के लिए आएंगे। खासा वॉरियर्स के यहाँ पे इस मैदान में काफ़ी समर्थक और जॉर्ज माहौल देखने को मिला है, बहुत ही अद्भुत ज़बरदस्त, काफ़ी बढ़िया टर्न आउट नजर आई है आज पूरे ही दिन तीनों ही मुकाबले के लिए, ये आखिरी मुकाबला शाम का। लवप्रीत सांघा जिन्हें मीना ड्रोली भी कहा जाता है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं,
और हर मैच में, पिछले दो मैचेस में जो ये खेले हैं यहाँ पे मोहाली में, अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं, फिर से बच निकले। प्रयास अच्छा था लेकिन आखिरकार खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि गुरदीप की आप पकड़ से बचते हुए निकले। यहाँ गुरदीप ने प्रयास पूरा किया था पर सफल रह नहीं पाए, पीछा भी करने का प्रयास किया। अब दो अंकों की बढ़त रेड सिंह के सामने, इन्हें कहीं क्या इसको बरकरार रख पाएंगे, ये बहुत अहम क्वार्टर। इसके बाद मात्र एक ही क्वार्टर शेष, यहाँ पे अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को, हालांकि एक बार फिर प्रयास किया था। और संदीप नांगलाम्बिया वापस मैदान पे, हमने कई मैचेस में देखा है पूरे 40 मिनट ये एक खिलाड़ी हैं जो खेलते हैं। मुझे लगता नहीं कि वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में और कोई स्टॉपर होगा जिन्होंने इतने सारे मिनट मैदान के ऊपर उतारे या बिताए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि लगातार बातचीत करते रहते हैं। यहाँ पे गगनदीप एक बार फिर आते हुए, देखिए किस प्रकार भांप रहे हैं, देख रहे हैं, दो आके आठ अंकों में नजर रखते हुए कौन पहले आक्रमण करेगा। यहाँ पे एक अंक मिलता हुआ गगनदीप को, बहुत ही कामयाब रहे हैं आज, जब उनकी 10वीं सफलती रेट, अब तक 11 बार उन्हें प्रयास किया है। ये खालसा वॉरियर्स के लोगों को फिर से बनाने का एक अटेम्प्ट है लेकिन पूरी तरह से सफल नहीं हुए, लेकिन वंस अगेन आई विल से इट्स द थॉट दैट काउंट्स। जगदीप यहाँ पे कहते हुए, वर्ल्ड कबड्डी लीग इज अ गुड वे टू सेव आवर पंजाब फ्रॉम ड्रग्स। जी हाँ बिल्कुल जगदीप, आपकी बहुत उम्दा सोच, क्योंकि जब कोई भी युवा या युवक खेल में व्यस्त रहेगा तो और चीज़ों के लिए या और डिस्ट्रैक्शंस के लिए उसके पास शायद ऊर्जा ही नहीं बचे। बिल्कुल, और देखिए स्पोर्ट्स सबसे बढ़िया चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके शरीर के लिए जो आप व्यायाम करते हैं, जो कसरत करते हैं, जो एक्सरसाइज करने को आपको मिलती है, ये तो ऐसा खेल है जिसमें पूरा शरीर का प्रयोग होता है, एकाग्रता भी आप भंग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से रेट पूरी की, बहुत जल्दी आप वापस लौटते हुए। अभी तक रेडी काफ़ी बढ़िया रही है यूनाइटेड सिंह द्वारा, खासकर गगनदीप की हम बात करें, बलजीत की बात करें, कुल मिला के अच्छा कार्य किया है। एक जो कमी नजर आई है यूनाइटेड सिंह के लिए वो है गोलू गुनौर की फॉर्म, दो रेड करने के लिए आए, मात्र एक में ही सफल रहे हैं और उसके बाद ज़्यादा देखने को मिले नहीं। मनजोत एक बार फिर यहाँ पे धक्का दिया, बढ़िया प्रयास और एक और अंक मिलता हुआ खालसा वॉरियर्स को। बहुत बहुत बेहतरीन माहौल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम मोहाली में, लेकिन अधिकतर यहाँ पे फैंस हैं खालसा वॉरियर्स के, और खालसा वॉरियर्स की ओर से तीसरे क्वार्टर में एक भी सक्सेसफुल स्टॉप अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्या गोपी मांडकी, जो कि आपके पिक्चर स्क्रीन में बिल्कुल बाईं ओर हैं, आउटसाइड राइट के पोजीशन से खेल रहे हैं, अगर आप खालसा वॉरियर्स की तरफ से देखें तो जरूर यहां पे जरूरत है एक स्टॉप अगर मिल जाए। सतनाम चहल, उनकी चुनौती, लेकिन आसानी से बच निकलेंगे लवप्रीत। या ये छठी बार प्रयास किया था सतनाम चहल ने और एक बार फिर असफल रहते हुए लवप्रीत बहुत बढ़िया टेक्निक दर्शाते हुए बहुत जल्दी अपने आप को वापस खींचा और अपने पाले में आते हुए सोल जोसफ कबड्डी खालसा वॉरियर्स, जी हाँ जिस अनुशासन से वो खेलते हैं, जिस ढंग से वो खेलते हैं, सबका दिल उनने जीत लिया है। इस मैच को जीतने के लिए एक स्टॉप की जरूरत जरूर पड़ेगी। जसमनप्रीत राजू के लिए चेहरे पे एक चोट जो आई थी थोड़ी देर पहले, उसके फलस्वरूप एक बैंडेड दिखाई दे रहा है उनके दाएं आंख के ऊपर। यहाँ पे गगन नागरा आज के मैच में सिर्फ एक बार रोके गए थे और वो कारनामा करके दिखाया था गोपी मांडकी ने, उसके अलावा 10 सक्सेसफुल रेड्स 11 अटेम्प्ट्स में से। अब सतनाम चहल, पूरी कोशिश है, धक्का दे पाएंगे या नहीं, लेकिन गगन नागरा की स्पीड भी अच्छी है, टांगे बहुत लंबी है, इसी वजह से स्ट्राइड्स बहुत बड़े हैं और एक बार जब बच निकले तब आसानी से पॉइंट मुकम्मल करते हुए। यार जिस चीज की आप बात कर रहे थे, जो रफ्तार है बहुत जबरदस्त, लाहौर लायंस की टीम अभी भी ये मुकाबला देखती हुई, बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया था। डोगर इस रफ्तार के लिए जाने जाते हैं जो उनकी कप्तानी आज कर रहे थे और काफी खुश होंगे जिस प्रकार गगनदीप दौड़े थे, जिसका आप जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले दबायन। जी हाँ, अकमल शहजाद डोगर ने आज के मैच में 31 रेड अटेम्प्ट किए, उसको आप कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो मैच लगभग पूरा मैच 40 मिनट का होता है, यानी ऑलमोस्ट हर मिनट में वो मैदान पे दिखाई दिए थे और 30 उन्होंने मुकम्मल भी किए, यानी बेहतरीन, बड़ा बड़ा एफर्ट, एक कप्तानी एफर्ट। या शायद ये भी जानते थे कि उनके जो बड़े नाम हैं चिश्ती बाबर इस टीम में मौजूद नहीं है, इस लेग में नहीं आए, तो मोहाली में
ये खेला जा रहा है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के जो मैचेस हैं, तो उनका जो रोल है, जो जिम्मेदारी है वो अधिक थी, जी कारण लगातार आ रहे थे जैसे दबाए बता रहे थे और बहुत ही सफल रहे, बहुत ही बढ़िया उन्होंने कार्य किया। मंजोत भी अब वही प्रयास करेंगे, 149 अभी तक रेड जीत चुके हैं या 150 भी होगी। यहाँ पे संदीप उनके सामने चट्टान के माफिक 11 नंबर की जर्सी में जद्दोजहद, और जी हाँ 150 का अंक छुआ यहाँ पे मंजोत ने, एक लंबा सफर तय किया है पर अभी भी मंजिल दूर। जी हाँ, टीम में ही शामिल हुए थे पहले दो लेग्स के बाद, यानी इंडिया के लेग से ही खेल रहे हैं मंजोत, और इसके बाद आके बहुत बड़ा फर्क इन्होंने पैदा किया है क्योंकि रेड लाइन शायद थोड़ी बहुत अगर कह सकते हैं एक कमजोरी थी, लेकिन उसमें जब एक और मजबूत कड़ी आ जाए तो और भी मजबूत हो जाती है रेड लाइन। आज स्टॉप लाइन ने उतना कमाल नहीं कर दिखाया है, सिर्फ 4 स्टॉप्स ही हुए, और सिर्फ 4 इसीलिए कह रहा हूँ कि इस टीम की आदत है लगभग हर मैच में बहुत बहुत बेहतरीन स्टॉपिंग का प्रदर्शन करती है ये। यह तुलना में अगर आप देखें, जैसे आप कह रहे हो कि खालसा वॉरियर्स की टीम इतनी बढ़िया स्टॉपिंग नहीं कर पाई, जिसमें बड़े नाम है, गोपी मानकी हो, सतनाम हो, सतनाम सत्तू हो, और कुल मिला के अकेले संदीप ने अभी तक 4 स्टॉपिंग किए हैं, तो एक तरफ उनने छोर संभाला हुआ है, हालांकि जगदीश ने भी एक बार उनका अच्छा साथ दिया। यहाँ पे फिर से जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, और बहुत ही बढ़िया ढंग से इसके बाद तुरंत ही संदीप बातचीत करते हुए। अजय, ये खालसा वॉरियर्स का 12वां मैच है और इस मैच को मिला के इन्होंने कुल 156 स्टॉप्स किए, यानी औसतन हर मैच में 13 स्टॉप्स अगर कोई टीम करे तो उसको हराना मुश्किल होता है, और वही पॉइंट्स टेबल पे भी दिख रहा है। बिल्कुल, और देखिए रेडर्स उनके पास बहुत बढ़िया है, जैसे हमने नाम लिए गुरमीत, गगनदीप, युवराज, जसनप्रीत, राजू, पर जो स्टॉपिंग है वो उनकी खासियत है। यहाँ पे बढ़िया रेड पूरी की, गगनदीप ने बहुत ही अतीत से अपने पाले की तरफ आए, पर ये जो मुकाबला है कांटे का चलता हुआ, मुझे लग रहा है डिसीजन इस मुकाबले का शायद आखिरी क्वार्टर में आएगा, क्योंकि इस क्वार्टर में अब ज़्यादा समय शेष नहीं, और ये देखिए कितना मज़ा लेते हुए, लुत्फ लेते हुए इस मुकाबले का। एकमात्र जो टाइड मुकाबला हुआ था उसमें शामिल हुए थे खालसा वॉरियर्स, जब लुधियाना में पंजाब थंडर के साथ 58-58 था स्कोर, क्या आज दूसरा ऐसा मौका देखने को मिलेगा। फिलहाल यूनाइटेड सिंह्स के पास एक एडवांटेज जरूर है, एक एक्स्ट्रा स्टॉप है, और उसकी वजह से अगला रेड जब हासिल करने के लिए जाएंगे उनके खिलाड़ी नवप्रीत, उनके पास मौका रहेगा कि 2 अंकों की बढ़त बना ले। आज एक और चीज अभी मुझे लगता है जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है यूनाइटेड सिंह्स के लिए, कि उनके कप्तान जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आगे से लीड कर रहे हैं, इससे पूरी टीम का मनोबल बढ़ता है, और सारे खिलाड़ियों को पता है कि अगर कप्तान इतनी मेहनत कर रहा है तो हमारा भी एक जिम्मेदारी बैठती है, यहाँ पे अंक मिलेगा यूनाइटेड सिंह्स की टीम को। कमलजीत हायर जो कि को ओनर है बहुत खुश, आपकी टीम भी अगर खालसा वॉरियर्स के खिलाफ ऐसा खेल रही हो तो इसी मुद्रा में आप भी रिलैक्स होकर बैठेंगे, और मुझे लगता है थोड़ी चिंताएं बढ़ेंगी शायद आखिरी क्वार्टर में, क्योंकि खालसा वॉरियर्स की जो कहानी अभी तक रही है इस टूर्नामेंट में बहुत ही जबरदस्त, उनको हराना इतना आसान नहीं। या उनके विरुद्ध एक मुकाबला जरूर टाई हुआ था, तो पंजाब थंडर के विरुद्ध उनका मुकाबला रहा था, पर उसके बाद अभी तक बिल्कुल विजय रथ पे सवार है टीम। यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे, संघर्ष करते हुए और उसके बाद अपने पाले में आते हुए, और वही व्यक्ति, वही चट्टान संदीप एक बार फिर प्रयास करते हुए, बहुत ही बढ़िया एफर्ट, पर मंजोत को आज रोकना नामुमकिन रहा है। 100% रिकॉर्ड उनका बरकरार, और ये सबसे करीब पहुंचे थे रोकने के, एक बार रोक चुके थे, पैर भी पकड़ चुके थे, लेकिन आखिरकार ये मुस्कान ने सब कुछ बता दिया कि आप बच तो गए लेकिन मैं करीब भी था, यही कहते हुए संदीप। यह 104 किलो का वजन है अगर आप मंजोत की बात करें, और कहीं ना कहीं संदीप ही ऐसे स्टॉपर है जिनको रोक सकते हैं। यहाँ पे लवप्रीत अच्छा कार्य करते हुए, बहुत ही बढ़िया बैक पैटरिंग करते हुए अपने पाले में आते हुए, अब अनुभवी खिलाड़ियों में से एक है लवप्रीत संगा, 27 वर्ष की उम्र है उनकी, और इस बार आए जसमनप्रीत राजू जो खुद सिर्फ 21 साल के हैं, 6 फुट 1 इंच उनका कद है, 103 किलो, आसानी से एक पॉइंट लेके जाएंगे। जगदीश शार थोड़े से खुश नहीं थे, लेकिन इस मैच में आपने दोनों टीम का डिसिप्लिन देखा है अजय, पूरी तरह से इन्होंने ऑफिशियल्स के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया और सर आंखों पर रखा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात होती है दबायन खेल भावना, देखिए आपको स्पिरिट से खेलना बहुत जरूरी है,
जो ऑफिशियल्स वहाँ हैं जो निर्णय ले रहे हैं, ठीक है वो भी इंसान है, कई बार उनसे भी चूक होती है, पर उनको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। हमने क्रिकेट में देखा है कई बार बड़े बड़े खिलाड़ियों को गलत डिसीजन का शिकार होना पड़ता है, पर एक तरीके से आप डिसीजन का को देखते हैं और कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट उसकी करते हैं, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी खेल में। और जैसे आपने कहा इस मुकाबले में वो डिसिप्लिन नज़र आया, वो अनुशासन नज़र आई है। गगन जोगेवाल आज किसी ना किसी तरीके से 100% नहीं नज़र आए, और शायद इसी वजह से जब भी वो आते हैं तब यूनाइटेड किंग्स के स्टॉपर्स बहुत बहुत उत्साहित हो जाते हैं। उनमें से एक अब जगदीश उनके सामने पेश कर रहे थे मौका, लेकिन आखिरकार 17 सेकंड में वापस अपने पाले में आ गए। आइसमैन, कोई एक्सप्रेशन नहीं बिल्कुल, और जो भी चीज़ हो जितना भी दबाव हो, गगनदीप कभी भी दबाव में आते नहीं। फिरोजपुर पिंड निवासी है और बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी तक प्रदर्शन किया अपनी टीम के लिए, बहुत ही कांटे की टक्कर चलती हुई। नवप्रीत यहाँ पे आसानी से, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहे अभी तक यूनाइटेड किंग्स की टीम के लिए जिस प्रकार इनका प्रदर्शन रहा है, और निश्चित तौर पे काफ़ी खुश होंगे कप्तान भी संदीप उनके प्रदर्शन से। जी, आज एक अच्छी नीति नज़र आई है जिसके लिए ज़रूर बहुत तारीफ करेंगे, और कोच संजीव कुमार ने ज़रूर काफ़ी कुछ डिस्कस किया है स्ट्रैटेजी के मुताबिक, क्योंकि रोटेशन अच्छी रही है रेड लाइन में। याद रखिए उनके बहुत अच्छे रेडर शफीक बट पिछले कुछ मैचेस में उनके शामिल नहीं रहे।